और शुरुआत 25 बड़ी खबरों के साथ कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज फिर ईडी के सामने नहीं होंगे पेश। ईडी का 5वां समन भी गैर कानूनी बताया। कहा कानूनी तौर पर समन को चुनौती देंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए आईटीओ पर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के चलते डीडीयू मार्ग को यातायात के लिए बंद किया जाएगा। नई दिल्ली सेंट्रल, दिल्ली में जाम लगने की आशंका के चलते फैसला। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई, पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पंजाब से आ सकते हैं कार्यकर्ता। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोप पर दिल्ली में आज बीजेपी मुख्यालय के बाहर धरना देंगे केजरीवाल और भगवंत मान। पुलिस ने नहीं दी है मंजूरी। चंपई सोरेन आज झारखंड के नए सीएम पद की लेंगे शपथ। रांची में होगा शपथ ग्रहण समारोह। राज्यपाल ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने का भेजा न्योता। 10 दिन में चंपई सोरेन को साबित करना होगा बहुमत। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जमीन घोटाले में ईडी ने किया है गिरफ्तार। होटवार जेल में बंद हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड पर आज आएगा फैसला। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से हेमंत सोरेन की 10 दिन की मांगी है रिमांड। झारखंड में सियासी हलचल के बीच आज रांची में बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। प्रियंका गांधी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। कहा प्रतिबंधित संगठनों से हेमंत सोरेन वसूलते थे पैसे। 4000 से ज्यादा अवैध खनन के मामले सामने आए। झारखंड के सियासी घटनाक्रम पर प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी हर राज्य में धनादेश के दम पर जनादेश को कुचल रही है। ज्ञानवापी परिसर में दोपहर 1:30 बजे से होगी जुमे की नमाज। व्यास जी तहखाने में भी पूजा होगी। ज्ञानवापी में कानून व्यवस्था को लेकर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमाज को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने आज वाराणसी बंद का किया ऐलान। ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। सीएम धामी को आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंपेगी कमेटी। सुबह 11 बजे यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर युवकों का कार से स्टंट वायरल। पुलिस कर रही है युवकों की तलाश। पीएम मोदी आज दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में शामिल भागीदारों को करेंगे संबोधित। भारत मंडपम में कल तक चलेगा एक्सपो। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश का बड़ा बयान। कहा दक्षिण के राज्यों से पैसे लेकर उत्तर के राज्यों को दे रहा है केंद्र। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम अलग देश मांगने को मजबूर हो जाएंगे। कांग्रेस ने डीके सुरेश के बयान से किया किनारा। कहा डीके सुरेश का बयान कांग्रेस का बयान नहीं, हम अलग देश की मांग का समर्थन नहीं करते। डीके सुरेश के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर देश को बांटना कांग्रेस के लिए नई बात नहीं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा आतंकवादी समूह तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अलकायदा और दूसरे आतंकी समूहों से मिल रहा है सहयोग। आम चुनाव से पहले इमरान खान की पार्टी के खिलाफ कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पीटीआई के 39 कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार।